जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों 22 जनवरी अब 2024 को सोमवार के दिन होने जा रही है श्री राम की जो प्रतिमा है उनमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा। अब यह जो सुनहरी अवसर है, आप सोच रहे होंगे कि केवल प्राण प्रतिष्ठा होने से क्या होगा और इससे इसी समय पे इसे क्यों किया गया। दोस्तों राम प्रतिष्ठा के तो 22 जनवरी को बहुत से कारण हैं। अब मैं कारणों पे जाऊंगा। इस दिन जो नक्षत्र पड़ रहा है, जो राशि पड़ रही है, जो वार पड़ रहा है, अब इनके सब के साथ में जाएंगे तो समय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि इस दिन चंद्रमा वृष राशि पर रहेगा और वृष के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र के स्वामी हैं माँ लक्ष्मी। इस दिन जो इस समय पर यानी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिस दिन 22 जनवरी को जो दिन आएगा वह दिन ही अति उत्तम रहेगा और उस दिन आप एक दीपक भी जलाएंगे उसका जो प्रभाव होगा वह तो अलग से होगा ही होगा। लेकिन मैं जो प्रयोग बता रहा हूं, एक दीपक जलाने से 1000 दीपक जलाने जितना पुण्य प्राप्त होगा और 1000 दीपक जलाने के बराबर ही श्री राम की कृपा आएगी। अब यह कैसे आएगी दोस्तों, बस यही बात मैं आपको बताने वाला हूं। पर आप पूछेंगे कि क्या एक ही दीपक जलाएं? दोस्तों दीपक तो कम से कम जलाएं तो 11 जलाएं, इससे अधिक आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। पर 11 दीपक में आपको 11000 दीपकों जितनी कृपा मिल जाएगी। दोस्तों यह पूरा साल आपके लिए धन धान्य और वैभव प्राप्ति का बना रहेगा, खुशहाल रहेगा, आपके पास लक्ष्मी आनी प्रारंभ हो जाएगी और भगवान श्री राम के साथ साथ में श्री हनुमान जी की भी कृपा मिलने लग जाएगी। दोस्तों अब दीपक का ध्यान रखें, दीपक चाहे कैसे भी हो अपने घर में रखने के लिए, बाहर रखते हैं तो मिट्टी के दीपक ले लें, घर में आपके पास दीपक हैं तो उनमें भी जला सकते हैं। और 11 दीपक में एक दीपक अपने पूजा स्थान पे रहेगा, शेष दीपक अपने घर में कहीं भी रखें, घर के दरवाजे के बाहर यदि रखने की जगह है तो वहां पर अपने मिट्टी वाले दीपक रखते हैं। अब इन सभी दीपकों में दोस्तों शुद्ध देशी घी का प्रयोग होगा और आपने खड़ी बत्ती लगानी है ताकि पूरा घी जले और दीपक देर तक चलता रहे। ध्यान आपने इतना रखना है कि आपने एक अपनी थाली में यह 11 दीपक रख लेने हैं दोस्तों और एक पानी का लोटा रख लेना है। शुद्ध देसी घी डालें, बत्ती जलाएं लगा करके और जब
एक दीपक की एक बत्ती प्रज्वलित करेंगे, तब आपने पहले यह मंत्र बोल करके प्रज्वलित करना है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र बोल करके दीपक लगा देना दोस्तों, एक। अब दूसरा मंत्र यही बोलना है और यही बोल करके दूसरा दीपक जला देना। इस प्रकार 11 बार बोलना यह मंत्र, 11 दीपक जला देना। जलाने के बाद जो पानी का लोटा रखा है, थोड़ा हाथ में उस में से जल लेना और अपनी थाली के चारों ओर घुमा करके डाल देना दोस्तों। अब इन दीपकों को आप एक पूजा स्थान में, शेष अपने घर में कहीं पे भी रखें दोस्तों। यदि आप ऐसा 22 जनवरी सोमवार को करते हैं तो समझ लेना साल भर के लिए लक्ष्मी आने का मार्ग खुल जाएगा। बड़ा आसान प्रयोग है दोस्तों और भगवान श्री राम की कृपा भी सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब जो पानी का लोटा है उसे आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना दोस्तों, कर लेना। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।